दोस्तों आज मैं आपको इनालसा का स्टीम मास्टर की डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये कैसे यूज होता है, कैसे इसकी असेंबली वगैरह लगाई जाती है, कौन कौन से इसमें पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एक पाइप, और इसको बोलते हैं आपने एडजस्ट करना है, ये लंबा इसमें से निकालना है, इसको टाइट कर देना है, फिर अगला पाइप निकालना है, टाइट कर देना है, फिर छोटा वाला पाइप निकाल के टाइट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे टाइट जाएगा, क्लॉकवाइज आप करेंगे तो ये लूज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से पाइप है, इस पाइप को हम यहां पर लगाएंगे, इसको थोड़ा लूज कर लेंगे पहले, ये इसमें चला जाएगा, इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पाइप असेंबली इसमें लग जाएगी। उसके बाद दूसरा हमारा इसमें आता है हॉट पाइप, स्टीम पाइप जिसको बोलते हैं, जिसमें स्टीमर लगा हुआ है, इसको भी आपने इस पॉइंट पर यहाँ पर दबा के लगा देना है, इस तरीके से ये लॉक हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ हो गया हॉट पाइप। उसके बाद इसमें पीछे टैंक लगा, टैंक है, आप देख लीजिए, ये टैंक आपने निकालना है, ठीक है। टैंक में ये नीचे की तरफ पॉइंट है, यहाँ से पानी डालेगा इसमें, आप इसको खोल लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। इसमें ये नीचे पॉइंट है, ये पॉइंट है इसमें नीचे, ये जब इसको प्रेस करता है तभी पानी बाहर आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये उसमें हर किसी में होना चाहिए, अगर मिस है, मिसिंग है तो ये नीचे लाना है, क्योंकि पानी नहीं जाएगा टैंकी में, टैंकी में पानी नहीं जाएगा तो ये फूक सकता है, तो ये चीज़ इसको दबाती है इस तरीके से तो ये पानी नीचे आता है, ये। तो दोस्तों इसको हमने इसमें फिट करना है, और इस तरीके से इसमें टैंक फिट कर देना है, ठीक। उसके बाद इसमें हमारा जो है वो हैंगर दिया हुआ है, हैंगर को आप लूज कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा आपके पास, आपने हैंगर को खोलना है, खोलने के बाद इसको यहाँ पर टाइट कर देना है, देख लीजिए पूरा टाइट नहीं करना पहले। उसके बाद आपने इसमें हैंगर टाइट करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर जाएगा, इतना इसको ऊपर निकालना है आपने, ऊपर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके बाद यहां पर आप इसको टाइट कर देंगे, आएगा आपका इसको हैंग करने के लिए, आपका इसको हैंग करने के लिए हमने दिया हुआ है पॉइंट, इसको आप इसमें डाल देंगे, इसमें देखिए ये बातें बने हुए हैं, इसमें फंस जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें हम इसको इस तरीके से रखते हैं, अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए आपको पाइप थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन पाइप आप जब भी आप इसको करेंगे, इसको पूरा रोड को पूरा खोल कर स्ट्रेट ही करेंगे, जिससे कि पानी ना आए, अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो इसमें स्टीम के साथ पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ, ये इसके
स्पीड कंट्रोलर है, ये ऑफ पोजीशन में, अभी यहाँ सिल्क का कपड़ा है, पॉलिएस्टर का, और ये कॉटन है, ये लैंड है। तो इसमें आप हमने जो भी सेट करना है, जिस कपड़े को करना है उस कपड़े पे इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने कॉटन का कपड़ा करना है तो मैं कॉटन पे इसको सेट करके रखूंगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ऊपर से स्टीम आनी शुरू हुई है, तो यह आप इसमें से स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। ये देख लीजिए आप, इसमें से स्टीम आनी शुरू हुई है। अब मैं आपको इसमें कमीज प्रेस करके दिखाऊंगा, इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। पाइप जितना मैं भी, इसमें साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको छोटा कर रखा और पाइप नीचे की तरफ है, इसलिए साउंड आ रही है इसमें, ठीक है। ये आपने इस तरीके से पकड़ना है और इसको मैं अभी इसको नीचे कर रहा हूँ, इस वजह से साउंड आ रही है आपको उसमें। ठीक है, इसको मैं सीधा कर दूंगा, साउंड बंद हो जाएगी क्योंकि हमने अभी ये थोड़ा नीचे कर रखा है डेमोस्ट्रेशन के लिए। इसको हम सीधा रखेंगे तो इसके साउंड कम हो जाएगी। उसके बाद हमारा इसमें एक आता है ये आपका ऊनी कपड़े वगैरह जैसे आपने करने हैं तो उसके लिए आता है ये। इसमें देख लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट रखा है ये, और इसमें ये पॉइंट है, इसको इसमें फंसा देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट में फंसा के प्रेस कर देंगे। तो ये हो गया आपका। तो ये हम जैसे ऊनी कपड़े वगैरह करें, आपने शॉल वॉल करने, ऊनी कपड़े करने, गर्म कपड़े करने, तो उसके लिए यूज हो जाता है। तो उसकी जो उसमें रोएं वगैरह हैं उनको निकाल देगा, ठीक। कमीज की आपने क्रीज बनानी है तो क्रीज को में बनाने के लिए इसको इसमें दबा दीजिए, नीचे की तरफ ले आइए, ये इसमें क्रीज बना देगा। देखिए इसमें पहली क्रीज ये थी, दूसरी क्रीज में ये ले आया इसमें, अब ये सलवट है, सलवट को दूर करने के लिए भी इसमें आप आराम से कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसको ऊपर टांग देना है इस तरीके से, ये आपका इसमें स्टैंप आ जाता है। इस तरीके से आप इसमें प्रेस वगैरह कर सकते हैं। मैं इसको खोल के वापस रख रहा हूँ कमीज को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्टीम मास्टर की डेमोस्ट्रेशन थी। आपने जो है इसके पाइप वगैरह जो है बिल्कुल सीधा रखना है। अभी मैंने आपको छोटा इसलिए करके दिखाया क्योंकि हम जितना इसको लंबा ले जाएंगे टेबल पर रखने के बाद तो हम ऊपर तक नहीं पहुँच सकते, इस वजह से मैंने आपको नीचे रख के दिखाया है। तो इसका नीचे रखेंगे तो ये आपका इस तरीके से, आप अगर इसको नीचे रखते हैं रहेगा, ठीक है सर, ओके थैंक। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को इनालसा कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में एक लाइक भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।